Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, today I am going to tell you guys about that how to be a BCCI affiliated umpire. So friends, get ready to know after a short intro. दोस्तों, अंपायर बनने के लिए आपको सबसे पहले, आप अगर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि UPCA के जहाँ पर उनका ऑफिस है वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे कि UP का जो वो है ऑफिस है वो कानपुर में है, और ये जानकारी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे उनसे अंपायरिंग के कोर्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी होगी। जब आप उनसे वहाँ पे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है और उसके कोर्स की कितनी फ़ीस है। तो जब वो आप कोर्स कर लेंगे, उनका 1 या 1.5 साल का कोर्स होता है, जब वो कर लेंगे उसके बाद आपके 3 राउंड होंगे। जी हाँ, जिनमें से एक तो होगा आपका एग्ज़ाम, 2 होंगे आपके प्रैक्टिकल। एग्ज़ाम में आपको सब रूल्स के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वहाँ पर करके दिखाने हैं। और फिर जो बाकी के 2 प्रैक्टिकल राउंड है वो एज आ एक मैच में अंपायरिंग करके होंगे, या फिर आपको कहीं पर डेमो दिया जाएगा उस वैसे होंगे वो। और दोस्तों, उसके बाद जब आप वो 3 राउंड क्लियर कर लेंगे, तीनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद वो आपको जहाँ पर BCCI का हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में है, वो वहाँ पर भेजा जाएगा। और वहाँ पर भी आपके सेम टाइप के 3 राउंड होंगे, जिनमें से 1 एग्ज़ाम का होएगा और 2 डेमो के होंगे। पर जो एग्ज़ाम का होगा, इस बार आपकी स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स देखी जाएंगे, क्योंकि जी हाँ, अंपायरिंग में इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद फिर से वो 2 ऊपर थोड़ा सा टफ होगा, वो जो BCCI वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप BCCI से एफिलेट हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा टफनेस तो दिखेगी। पर जब आप वो 3 राउंड क्लियर कर लेंगे तो आपको एज आ BCCI एफिलेटेड अंपायर घोषित कर दिया जाएगा, और आप BCCI के एक तरह से ये मान लीजिए उसमें आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में। फिर आप जैसे कि डोमेस्टिक वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि दलीप ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी, और जितने भी काफ़ी सारे होते हैं, आधे तो हम पता भी नहीं, जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन स्टेट्स के बीच में होते हैं, आपको उनके लिए अंपायरिंग के लिए लिया जाएगा। पहले छोटे से शुरू होगा, फिर बड़े तक होगा, उसके आपको पैसे मिलेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे जब आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे तो आपको, अगर आप ज़्यादा अच्छे से BCCI की नज़रों में रहे तो आपको ICC के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, या जो भी अगर आपका मन है, वरना आप डोमेस्टिक पे तो भी यहाँ तक ये 6 राउंड क्लियर करके हो जाएंगे। तो यही थी दोस्तों मेरी वीडियो, मैं आपको यही बताना चाहता था।